रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए कि उसके रियल एस्टेट में जब हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इन पॉइंट्स को पहले इसलिए पता होना ज़रूरी है बिकॉज जब आप किसी भी प्रॉपर्टी को या किसी भी रियल एस्टेट को इवेल्युएट कर रहे होंगे तो अगर आप जब इन पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे तो आपको इवेल्युएशन करते हुए एनालाइज करते हुए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पहले स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस से। सो हमारा फर्स्ट एडवांटेज है कैपिटल एप्रिसिएशन। बहुत ही सिंपल सी बात है, आप जब भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप यही सोच के करते हैं कि आज अगर मैं कम पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कम पे खरीद रहा हूँ, तो आगे जाके मैं उसको हायर प्राइस पे बेचूंगा। तो इसको हम बेसिकली बहुत सिंपल टर्म्स में बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि आपकी कैपिटल कितनी एप्रिशिएट हुई ओवर द टाइम। सो ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीज़न है कि लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। सेकेंड रीज़न है हमारा पॉजिटिव कैश फ्लो। अब कैश फ्लो मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि कैश फ्लो कुछ भी ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आपका जो नेट कैश निकल के आ रहा है सिस्टम से बाहर आपकी पॉकेट में, उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव कैश फ्लो। रियल एस्टेट में कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट होता है, आपको जो भी मंथली रेंटल आ रहा है उसमें से आपकी जो भी मॉर्गेज है यानी कि जो भी आपकी किश्त है जो आपकी बैंक को जा रही है उसको माइनस करेंगे एंड साथ में जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको माइनस करेंगे, तो आपके पास जो बचेगा वो होगा कैश फ्लो। तो हमारा फोकस ये रहता है कि हमें अपना जो कैश फ्लो है वो रियल एस्टेट में पॉजिटिव रखना होता है। एंड रियल एस्टेट एक ऐसी एसेट है जिसमें कैश फ्लो पॉजिटिव रहता भी है अगर आप अच्छे से उसको मैनेज करते हैं। थर्ड रीज़न है हमारा डेप्रिसिएशन कॉस्ट। अब आपको ये तो पता होगा कि हम अपने अकाउंट्स में दिखाते हैं कि लैंड के ऊपर जो बिल्डिंग है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होती है ओवर द टाइम। अब अगर उस डेप्रिसिएशन कॉस्ट को अगर हम उसमें डालेंगे अपने अकाउंट्स में तो हमारी जो इनकम है, टोटल इनकम है जो पूरे साल की, वो उसमें से माइनस हो जाएगी, जिस वजह से आपको टैक्स में मिलता है बेनिफिट। तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट का आपको जब तक आपके पास रियल एस्टेट है तब तक आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता रहेगा। सो फोर्थ इज टैक्स बेनिफिट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो हमारी इनकम में से सब्ट्रैक्ट होती है, सेम वे जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो भी हमारे एज ए एक्सपेंस काउंट होता है। तो जब आपकी जितनी भी इंटरेस्ट जो आपका जा रहा है टूवर्ड्स बैंक उस मॉर्गेज में, तो वो एज ए एक्सपेंस हमारी जो बैलेंस शीट में है वो डाला जाएगा, जिस वजह से अगेन आपको जो टैक्स बेनिफिट है वो ओवर द टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। नंबर फिफ्थ, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अब अच्छी बात रियल एस्टेट की है कि वो थोड़ा स्टेबल है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, अनटिल अनलेस आपने बहुत ही गलत प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट कर दिया। अदरवाइज जनरली जो रियल एस्टेट की जो वैल्यू है वो काफ़ी स्टेबल रहती है, एंड तो लोअर रिस्क रहता है एक तो, एंड सेकेंड इज कि इसकी जो रिटर्न्स हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी एवरेज से लेके बहुत अच्छे तक रहते हैं। तो अगर आपने बहुत अच्छी जगह आपने इन्वेस्ट करें तो आपको ओवर द टाइम बहुत ही अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे रियल एस्टेट में, एंड एट द सेम टाइम कंपैरेटिवली कम रिस्की रहता है। सिक्स पॉइंट इज लेवरेज। अब रियल एस्टेट में जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो तो सपोज़ अगर आपकी प्रॉपर्टी सपोज 50 लाख की है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आज के आज ही आपको 50 लाख देने हैं। आप इवन 20% ऑफ द अमाउंट जो उसकी है यानी कि 10 लाख निकल के आएगी अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी है, तो आप सिर्फ 10 लाख जो अगर आप अप फ्रंट अमाउंट देते हैं तो उसके बाद बाकी जो अमाउंट है उसका आप लोन ले सकते हैं। सो दैट मीन्स कि आपके पास अगर 50 लाख पहले दिन थे भी तो आप सिर्फ 10 लाख से ही उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, एंड बाकी जो 40 लाख है वो आप और जगह डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सो इससे होता है कि आपको लेवरेज मिलती है काफ़ी ज़्यादा कि आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको एक ही दिन एक ही बार में आपको सारा का सारा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना होता। सो दोस्तों ये 6 मेरे को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं जब भी आप रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो, एंड इनका थोड़ा आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आपको आगे जाके बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। नंबर वन, एंट्री बैरियर। अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि रियल एस्टेट एज एन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 1 लाख या 2 लाख पड़ा है तो आप जाके इन्वेस्ट कर देंगे। पहले तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, अब लास्ट ईयर ही जब रेट्स अनाउंस हुए थे एम्बेसी पार्क्स के तो उसके बाद से ये कंपैरेटिवली इजियर हो गया है कि अगर आप 2.5-3 लाख भी हैं अगर आपके पास तो आप रेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज अगर मैं वैसे बोलूँ तो रियल एस्टेट में एक एंट्री बैरियर बहुत ही बड़ा रहता है कि आपको अदरवाइज अगर आप ट्रेडिशनल वे में जा रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो 20-30 लाख से तो स्टार्ट होती हैं, तो जिस वजह से क्या रहता है कि अगर आपके पास सपोज 4-5 लाख है तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि काफ़ी लोग जो हैं वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं जब भी वो करना चाहते हैं। नंबर सेकंड, इलिक्विडिटी। अब ये भी हमने बहुत बार सुना होगा कि किसी ने ये प्लॉट खरीद लिया था या किसी ने ये प्रॉपर्टी खरीद ली थी, बट वो कब से कितने सालों से कोशिश कर रहा है बेचने की बट वो बेच नहीं पा रहा।
तो रियल एस्टेट मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड है। उसका रीज़न क्या है कि अब एसेट की वैल्यू ही इतनी ज़्यादा है कि मतलब बायर्स जो है वो ऐसे न ऐसे नहीं है कि कोई एकदम से ही बहुत सारे आपके पास खड़े हो जाएंगे वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। जब तक डिमांड नहीं होगी मार्केट में बहुत ज़्यादा, तब तक आपको लिक्विडिटी मिलेगी ही नहीं मार्केट में। तो जितने ज़्यादा बड़ी एसेट की वैल्यू हो जाती है उतने ही उसके कम कंपैरेटिवली बायर्स हो जाते हैं, एंड उतना ही उसको ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी बार अगर आपने बहुत ही गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया है या गलत रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करा है तो आपके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज रहने वाला है उसको सेल करना। काफ़ी लोगों के पास इवन चार चार पाँच पाँच साल तक उनकी इन्वेंट्री में पड़ी रहती है उनकी जो रियल एस्टेट है। सो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तो ये आपको नोट करना चाहिए कि अगर आप जब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये मान के चलना है कि देयर आर चांसेस कि आपकी जो प्रॉपर्टी है काफ़ी सालों तक बिके भी ना। तो ये आप पॉइंट ज़रूर नोटिस करें। नंबर थर्ड, मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स, यानी कि अगर आपने जैसे प्रॉपर्टी रेंट पे ले लिया, आपने एक घर रेंट पे लिया, आपने एक घर बाय करा, तो उसमें अगर आप सोच रहे हैं कि मैं उसको रेंट आउट कर दूं तो उसके बाद आपको बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे कि घर को सही से वो जो टेनेंट्स हैं वो मैनेज कर रहे हैं कि नहीं, घर की कंडीशन सही है कि नहीं। तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है डायरेक्टली जब भी आप रियल एस्टेट में आप आगे रेंटल इनकम के लिए आप आगे देते हैं। तो मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है, इसीलिए रियल एस्टेट में अगर आप टिपिकल वे में इन्वेस्ट करते हैं तो स्केलेबल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप एक टाइम पे आप 4, 5 या मैक्सिमम 10 प्रॉपर्टीज़ को मैनेज कर लेंगे, बट अगर मैं 50 प्रॉपर्टीज़ की बात करूं या 100, तो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। आप डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व नहीं रह सकते उसकी मैनेजमेंट में। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है जब भी हम बात करते हैं स्केलेबल करने का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को। नंबर फोर, इनएबिलिटी टू डाइवर्सिफिकेशन। अब रियल एस्टेट के अंदर डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि सपोज़ आप कहते हैं कि मैं आप कुछ पैसा जो है मैं कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस में लगाना चाहता हूँ, कुछ पैसा मैं एग्रीकल्चर लैंड में लगाना चाहता हूँ, कुछ मैं रेजिडेंशियल में लगाना चाहता हूँ, तो वो नहीं हो पाता। आपको जितना मिनिमम आपको पे करना पड़ेगा उन सेक्टर्स के लिए या उन प्रॉपर्टीज़ के लिए आपको करना ही पड़ेगा। तो दैट्स अगेन अ एंट्री बैरियर कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए अगर आपको प्रॉपर्टी में डाइवर्सिफिकेशन करना है। बट इसमें एक चैलेंज ये भी आ जाता है कि आपको फिर हर तरह की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, हर तरह की रियल एस्टेट के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हम जनरली देखते हैं कि लोगों के पास जो रियल एस्टेट की नॉलेज है वो पर्टिकुलर एक सेक्टर की रहती है, जैसे कि रेजिडेंशियल वाले लोग जो जनरली रेजिडेंशियल को ही स्टडी कर रहे होते हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड को बाय सेल करने में रखते हैं उनका स्पेशलाइजेशन जो है वो एग्रीकल्चर लैंड में रहती है। तो एक चीज़ आपको ये भी बहुत प्रॉब्लम आती है कि आपको जब भी आपको किसी पर्टिकुलर टाइप की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो आपको उससे रिलेटेड जो है वो सारी नॉलेज होनी चाहिए। अब इसको आप नॉलेज तो आप कहीं से भी गैदर कर सकते हैं, बट आपको ऑन ग्राउंड जो है आपको वो इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको अभी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये दोनों बताए हैं। मेक श्योर कि आप इन पॉइंट्स को नोट करें, एंड जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो इन पॉइंट्स को ज़रूर कंसीडर करें। हम कोशिश करते रहेंगे कि अपने आने वाली वीडियोस में हम और भी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी आपकी और ईजी करेंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।